Discussion on the progress achievement of Telangana state in 9 years since its formation. Sir, at the outset, I would like to congratulate and compliment the Honorable Chief Minister Sahab Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab for his twin achievements. And I say that the twin achievement, the first, he had singularly fought and achieved the statehood for the backward region of Telangana. And as its chief minister, he has been driving force behind its transformation into a progressive state in a short span of 9 years, sir. Sir, before going ahead and talking about the achievements made during this 9 years or almost 10 years, sir, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि रियासत तेलंगाना ने मुख्तलिफ शोबे जात में गैर मामूली तरक्की की है, गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं और ऐसी कामयाबियाँ जिसको दुनिया तस्लीम कर रही है, कबूल कर रही है और आवाम उसको महसूस भी कर रही है कि ये कामयाबियाँ और ये तरक्कियाँ हुई हैं इस रियासत में तेलंगाना के तश्कील के बाद। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी हुक्मरान की होती है तो वो ये होती है कि वो अपनी आवाम को इस बात का एहसास दिलाए कि वो उसकी हुक्मरानी में महफूज है, सुकून में है, उसकी अमलाक महफूज है, उसकी इज्जत महफूज है, उसका घर महफूज है, उसकी माँ और बहन की इस्मत और आबरू महफूज है। और मैं ये कहूँगा कि सारी कामयाबियों में सबसे बड़ी अगर रियासत तेलंगाना की और के चंद्रशेखर राव साहब की अगर कोई कामयाबी है तो वो ये कामयाबी है कि आज रियासत तेलंगाना में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो या फिर वो भी जो गॉड को, अल्लाह को या भगवान को नहीं मानता हो तो वो भी अपने आप को इस रियासत में महफूज तसव्वुर करता है और अपने इज्जत को महफूज समझता है, अपने घर को महफूज समझता है, अपनी मां बहन की इस्मत और आबरू को महफूज समझता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरफ बाज लोग लेकर जा रहे हैं। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क व रियासत की तरक्की की फिक्र करें। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो ये कोशिश करें कि बेरोजगारी को दूर करें, बेघर को घर दें, बीमार को इलाज का इंतजाम करवाएं, परेशान हाल की परेशानी को दूर करें। लेकिन अफसोस होता है जब हम देखते हैं और अपनी नजर को जब दौड़ाते हैं हमारे मुल्क के तरफ तो आज मुल्क के हर हिस्से में आज अगर कुछ कोई चीज अगर आगे बढ़ाई जा रही है या प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है कि बस हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के बीच में दीवारों को उठाया जाए और नफरत की बींज को बोया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल है मुल्क में, आज क्या हाल है, चलती हुई ट्रेन में गोलियां मार दी जा रही हैं। खुसूर क्या है तो खुसूर यही है कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है या वो मुसलमान है तो उसको घसीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। तो आज मुल्क में क्या हो रहा है, राजस्थान में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यही हो रहा है कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये मुल्क का हाल है। कहीं अजान के नाम पर नफरत,
पैदा की जा रही है, तो कहीं बीफ के नाम पर नफरत है, तो कहीं पर आज ये हो चुका है कि घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, या फिर उनको किसी ना किसी बात पर, अरे ये मुल्क हर किसी का ही उतना ही है, इस मुल्क पे मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू भाई का है, इस मुल्क पर मुसलमान के साथ साथ हिंदू के साथ साथ सिख का भी वही हक है, ईसाई का भी वही हक है, हर किसी का वही हक है, लेकिन आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क की तरक्की की फिक्र नहीं करते, मुल्क की तबाह मईशत की फिक्र नहीं करते, मुल्क की जीडीपी या जीएसडीपी की फिक्र नहीं करते, मुल्क के रुपये के गिरते हुए खदर की कीमत नहीं करते, मुल्क में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, खून खराबे का माहौल है, हरियाणा जल रहा है नफरत की आग में, आज मणिपुर जल रहा है नफरत की आग में, तो आज इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे आज फख्र होता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान मैं यहां खड़ा हूं इस रियासत में और इस रियासत के असेंबली में, तो मुझे फख्र होता है कि आज मैं इस रियासत में अपने आप को महफूज समझता हूं, मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तसव्वुर करता हूं, इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है, इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते, आज हमको टू बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क, मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। यह सबसे अहम बात है और मुझे यह बात यहां पे खड़े होकर यह कहते हुए फख्र महसूस होता है कि 9 साल अचीवमेंट में सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट है तो वो ये है कि रियासत में 9 बरस में कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं हुआ, रियासत में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, रियासत में कोई घर नहीं जले, रियासत में कोई इस्मत या इज्जत नहीं लुटी। आज इसी की मिसाल अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अकबर साहब खड़े रहकर तारीफ कर रहे हैं केसीआर साहब की या टीआरएस की हुकूमत की। नहीं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह हक है और यह बात सही है, इसलिए कह रहा हूं। और अगर कि कोई मेरी बात से मुत्तफिक नहीं, मेरी बात को कबूल करना नहीं चाहता तो कबूल ना करे, हर एक को आजादी है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं ये जो बात कह रहा हूं, आज से चंद रोज कबल जो हमारा ऑक्शन हुआ रियासत में, 100 करोड़ रुपया एक एकड़ पर जाता है ऑक्शन, तो क्या यह मिसाल नहीं है खुशहाली की? क्या यह मिसाल नहीं है तरक्की की? क्या यह खुशहाली नहीं है कि हमारे शहर में, हमारी रियासत में अमन बाकी है? अगर किसी रियासत, किसी शहर में अमन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, तो फिर वहां पे तरक्की कैसे आएगी? तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि आज हम कामयाब हुए, कि आज एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, मशकूर हूं, केटीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने असेंबली में 0 आवर में मसला उठाया कि ट्रेन में 3 मुसलमानों को मारा गया, उनमें एक मुसलमान का ताल्लुक शहर हैदराबाद से था, तो उनकी मदद की जाए हुकूमत की जानिब से, उनको नौकरी दी जाए, 2 बेडरूम दिया जाए। तो मेरा मुतालबा नौकरी 2 बेडरूम का था, लेकिन केटीआर साहब ने उठकर नौकरी के मुतालबे को भी कबूल किया, 2 बेडरूम को भी कबूल किया, उसके साथ साथ कहा कि बीआरएस पार्टी के जानिब से हम 2-2 लाख उस मासूम बच्चों को देंगे जो यतीम हो गए। हमने ये बताया हिंदुस्तान को कि कोई नफरत के जरिए इख्तदार को हासिल करना चाहता है तो हम मोहब्बत के जरिए इख्तदार को हासिल करना चाहते हैं, कोई बांटना चाहता है तो हम मिलाना चाहते हैं, कोई तोड़ना चाहता है तो हम जोड़ रहे हैं, कोई कमजोर करना चाहता है तो हम
मिलाकर उनको मजबूत कर रहे हैं और यही रियासत की खुशहाली की एक निशानी है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का, चंद्रशेखर राव साहब का, केटीआर साहब का कि आपने उन यतीम बच्चों का ख्याल किया, उस बेवा का ख्याल किया, नौकरी दी, 2 बेडरूम दिया, 2 लाख दिया। मजलिस की जानिब से भी हम उन बच्चों को दे रहे हैं। हम सिर्फ यहां के रियासत के ताल्लुक रखने वाले बच्चों को नहीं बल्कि वो सारे 3 जितने भी 3 लोग जो जिनको गोली मारकर मार दिया गया ट्रेन में, मजलिस की जानिब से हम उनके सारे बच्चों को, किसी को 3 बच्चे हैं, किसी को 4 है, किसी को 2 है, तो उन सारे बच्चों को 1-1 लाख का मजलिस की जानिब से हमने भी ऐलान किया, हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये लोग मुल्क को कहां ले जा रहे हैं हमको देखना है। हमको मुल्क को बचाना है, मुल्क के दस्तूर को बचाना है, मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। आज हमारा दस्तूर खतरे में है, आज हमारा मुल्क खतरे में है इनकी नफरत की सियासत की वजह से। इस मुल्क पर टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। इस मुल्क पर चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है जितना एक पगड़ी बांधने वाले सिख का है। कोई भी इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में आज मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है और मुसलमान को दूसरे दर्जे की शहरी की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन रियासत तेलंगाना में मुसलमान महफूज है और दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान बराबर का हक रखता है जो रियासत तेलंगाना में एक हिंदू और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला रखता है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, और मैं ये भी कहूंगा आगे बढ़ते हुए कि द चीफ मिनिस्टर साहब हैज रिकाउंटेड मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द स्टेट इन द नोट सर्कुलेटेड टू अस। ड्यू टू दिस टाइम कंस्ट्रेंट आई मे नॉट बी एबल टू गिव अवर व्यू ऑन एन इंप्रेशन ऑन ऑल द इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट सर, बट आई वुड लाइक टू टच अपॉन few spaces sir, the most important, as I said, the inclusive and comprehensive development of Telangana with peace and communal harmony prevailing in the state has made it a role model for the country within 9 years sir. So the Kaleshwaram and other irrigation projects have virtually transformed large parts of the states and the farm output has tripled. The state is power surplus now. I congratulate the government for this, sir. For the farming community, the government has introduced 24/7 free power supply, and Raitu Bandhu, Raitu Bima, and farm loan waiver scheme, and also taken up procurement of agricultural produce through the state agencies. Numerous schemes and initiatives have been launched for the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, minorities, Brahmins, Christians, and other forward classes, as well as for women and child, disabled and senior citizen, ASARA pension have been extended to more vulnerable groups, and pension amount has been raised for disabled people from ₹4,016, and for disabled and ₹3,016 for other section. Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak schemes have helped the lakhs of girls to get married with assistance from the government, sir. So the opening of residential schools for minorities and backward classes, and upgrading of the residential schools for SC/STs, BCs and minorities into junior colleges and even degree colleges have transformed school and higher education in the state, sir. Sir, and also opening of medical colleges and hospitals in new districts, upgradation of all existing government hospitals and primary health centers, and launching of new initiatives such as Kanti Velugu Arogya Lakshmi, KCR kit, KCR nutrition kit, Basti Dawakhanas, dialysis centers and diagnostic centers have led to a total revamp of the government health and medicare network, sir. So Palle Pragati, Patana Pragati programs have led to upgradation of civic infrastructure in the panchayat raj institutions as well as the urban local bodies across the state, sir. The mission Kakatiya for rejuvenation of the minor and
major minor irrigation tax in the village and mission Bhagiratha for protected water supply of all households in the state have yielded excellent results, sir. Harita Haram is an attempt to maintain the ecological balance by protecting, documenting the greenery, sir. The state has attracted huge investment in industrial sector, IT and ITES, pharma, logistics and other sector. The progress achieved by the state in the primary agricultural, mining, secondary manufacturing and territory services and retail sector of the state economy have achieved double digit growth. The state gross domestic product has faster growth than the national average, and the state per capita income has increased to ₹3,12,198, the third highest among all states in the country, sir. We were able to achieve this only in 9 years, sir. The other states, which are number one or number two, are been working and striving and struggling from so many years. But we have achieved it in just a span of 9 years, sir. So the formation of new districts, revenue divisions, mandal, gram panchayats, municipalities and municipal corporation has brought the administration to the doorstep of the people. The government has recruited 1.42 lakhs employees in all departments, and recruitment for another 80,000 jobs is in progress, sir. Sir, a new presidential order under Article 371D of Constitution was promulgated, and new zones have been created to ensure 95% of the government jobs to local candidates. Despite the constant attempt of some vested interest, the state has been able to maintain peace and law and order. The police force has been modernized, and 10 lakh CCTV cameras are installed to keep vigil across the state. The credit for prevalence of communal harmony goes to all the communities in the state which live up to our Ganga Jamuna Tehzeeb, sir. Sir, now I would like to come on the specifics of minorities, sir. Sir, before going on the specifics of the minorities, main ye baat zarur kehna chahunga bolne se pehle ki riyasat Telangana ki tashkeel ki jiddajahd ki wajahein bahut sari thi, jisme berozgari thi, jisme hamara paisa dusre hisse mein jaakar lagta tha, hamari naukriyon ko cheena ja raha tha, hamara pani chala ja raha tha, khushhali wo tarakki nahi aa rahi thi, hamari ziraat sifar ke barabar ho chuki thi, mulazimat mein tanasub kam ho chuka tha, kai sari nainsafiyan thi jiski wajah se Telangana ka ehtijaj kiya gaya. Lekin ye bhi ek haqeeqat hai ki is Telangana ke ehtijaj aur nainsafi ka ye ek hissa tha, to dusra Telangana ke sath nainsafi ka ek hissa musalmanon ke sath bhi tha ki takht o taj luta, izzate luti, ismate luti, jagir luti, mansab luti, hamare sab kuch lut gaya, aur uske baad mein hum apne pairon pe khade hone ki koshish karte rahe to hamare sath bhi nainsafi hui. Hamare amlaak ko luta gaya, hamari jayadadon ko luta gaya. जागीर एबॉलिशन एक्ट के जरिए हजारों नहीं लाखों एकड़ आराजी छीन ली गई. अर्बन लैंड सीलिंग के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन छीन ली गई. एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के नाम पर भी हमारी जमीना छीन ली गई. इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए भी जमीना छीनी गई. मुसलमान कस्म पुरसी के आलम में था, परेशानी के आलम में था. जो महलात में रहता था, सुबह का सूरज निकला वो फुटपाथ पे आ गया और बंडी और रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया. वहां से हमने भी अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और मजलिस ने हर वक्त, ये लोग समझते हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमान की बात करती है, नहीं, हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं. आज जो कल एक बिल लाया गया जैन्स को माइनॉरिटीज में लाने के लिए, इसका मुतालिबा भी मजलिस ने किया था. तो मजलिस सबके मसाइल की आवाज उठाती है. मजलिस सिर्फ अपनी बात नहीं कहती, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, जो लोग हम मजलिस को या मुसलमान को आज ये समझ रहे हैं कि हम अनटचेबल्स हैं और हमको दूर रखते हैं,
हमको खरीब नहीं लाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 70 बरस की मुसलमानी मुसलमानों की नाइंसाफी के जिम्मेदार भी आप हैं। यही लोग हैं, ये कांग्रेस है जिसने मुसलमानों को आजादी से लेकर आज तक 50,000 फिसादात का तोहफा दिया, हमारी लुटी हुई इस्मतें दी, आबरू दी, जलते हुए आशियाने दिए, हमारी खून को बहाया 50,000 फिसादात में, कभी मलियाबाद में, कभी कभी अजमेर में, कभी भिवंडी, कभी भागलपुर, अरे कई ऐसे चीजें हैं, वो अलग बात है कि कभी हम फिसादात के जरिए जलते रहे, लुटते रहे, तबाह होते रहे। तो आज घर वापसी, लव जिहाद, बीफ बैन या अजान या फिर दूसरों के नाम पर भी हम मर रहे मिट रहे हैं, लेकिन हम किसी से खायफ नहीं, हम किसी से डरे हुए नहीं है। हाँ, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं। हम मुसलमान इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं। हमारे हक को छीना गया, हक तल्फी की गई, नाइंसाफी की गई, कभी ताड़ा के नाम पे जेल में डाला गया, कभी पोटा के नाम पे जेल में डाला गया, कई नामों से हमको जेलों में डाला गया। आज भी हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो इंसाफ की बात करने वालों, तुमने क्या इंसाफ दिया? अरे हम पे तनकीद करने वालों, हमको बी टीम कहते हो, अरे हम किसी की बी टीम नहीं है, और बिलखुसूस हम उसकी बी टीम बन जाएंगे जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, जो मुल्क की सरहद की हिफाजत में नाकाम हो रहे हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। हम उनके टीम के मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं तो मुसलमानों के। हम बात करते हैं मुसलमानों की तो इसलिए करते हैं स्पीकर साहब कि सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर अगर कोई है तो वो मुसलमान है। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि मेरा नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, एक एमएलए की हैसियत से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो कमजोर है उसका हाथ थामो। मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो पीछे है उसका हाथ थामो। मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो आखिर में उसका हाथ थामो। आखिर को पहला बनाऊं, कमजोर को ताकतवर बनाऊं, पिछड़े हुए को आगे बढ़ाऊं। आज मुसलमान पीछे है इसलिए मजलिस मुसलमान की बात कर रही है, कल को अगर कोई हिंदू पीछे हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो अल्लाह की कसम मजलिस और अकबर ओवैसी वो कमजोर हिंदू का हाथ पकड़ेगा, उसके लिए आवाज बुलंद करेगा, उसकी खुशहाली के लिए आवाज बुलंद करके लड़ेगा। हम सबके लिए काम करते हैं और आज तेलंगाना की कामयाबी खुद यह सबूत है कि मजलिस की कामयाबी की। तेलंगाना हुकूमत आज काम कर रही है तो हमारा मुकम्मल ताबून आपके साथ है। माइनॉरिटीज की जब मैं बात करता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कर्नाटका स्टेट में मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की आबादी 90 लाख है और माइनॉरिटी बजट 2,000 करोड़ से। महाराष्ट्र 1,40,00,000, माइनॉरिटीज का बजट, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अपने पार्टी को एक्सपेंड कर रहे हैं, बराबर हक है उनका। और वो एक ग्रुप जो नाकाम हुआ 70 बरस से और एक ग्रुप जो 10 बरस से नाकाम हो रहा है, हम उनकी नाकामी को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम उनके टीम मेंबर हो गए, बी टीम हो गई। केसीआर साहब को बी टीम बोलते हैं, हमार को बी टीम बोलते हैं। अरे आप अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमको बी टीम बोल रहे हैं। आप काम करो ना, कौन रोका है? 70 बरस कांग्रेस को आवाम ने मौका दिया, क्या किसी ने रोका था काम के लिए? भाई नहीं। अब महाराष्ट्र में देखिए 1,40,00,000 वहां का बजट, माइनॉरिटीज का 674 करोड़। फिर सेक्युलरिज्म के अलंबरदार, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम का सर्टिफिकेट बांटते हैं। क्या किया इन्होंने वहां के मुसलमानों के लिए, मैं पूछना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल
2.5 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन सर, बजट 2100, 2.5. उत्तर प्रदेश सर, उत्तर प्रदेश मुस्लिम पॉपुलेशन 4 करोड़, बजट 1782. एंड नाउ नाउ लेट अस कम टू अवर स्टेट, माय स्टेट विच आई एम प्राउड, माय चीफ मिनिस्टर विच आई एम प्राउड ऑफ. पॉपुलेशन 50 लाख, पॉपुलेशन 50 लाख मुस्लिम्स, एंड द बजट 2200 करोड़. ये है मुसलमानों से मोहब्बत, ये है माइनॉरिटी से मोहब्बत. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो. क्या अरे काम ऐसा किया जाता है, सीखो तेलंगाना से काम कैसे करना है, सीखना है तो सीखो केसीआर से. सबको लेके चलना कैसा है, सीखो तो केसीआर से, टीआरएस से. आज ये मॉडल है. और सर व्हेन आई गो फर्दर एड सर, सर आई वुड लाइक टू ऑल्सो bring to the kind notice not only to my colleagues sitting here sir, also to the people of the state of Telangana, in particular the Muslims sir. The first and foremost request when myself and Asad bhai had met honorable CM saab after the formation of Telangana, the first thing which we spoke is that we said, sir, the Congress government has kept a cap on scholarship. They are giving scholarship to only those students whose rank are under 10,000. Above 10,000, they are not giving. Immediately, Honorable Chief Minister Saab said, no, nothing doing. 10,000 hone do, 1 lakh ka rank hone do. Sab Muslimanon ko BC, SC, ST ki tarah dena chahiye. And he passed out the order. The second request we made, and we said ke Musliman bachiyon mein, bachiyan gharon pe rehti hain, unki shaadiyan nahi hoti hain. उनके शादियों के लिए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हां, मुझे एहसास है ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ये हिंदुओं में भी है, एससीज में भी है, एसटीज में भी है, सब में है. मैं एक स्कीम निकालूंगा. और उसके बाद उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक निकाली. फिर उसके बाद में ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द बजट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड इन फैक्ट आई वेंट टू द बजट एलोकेशन ऑफ द एंटायर India, sir, all the states, sir. I am standing here and I could proudly say that no government is spending 700 crores per annum only on minorities education except for the state of Telangana and the Honorable Chief Mr. KCR. Sir, RTF, MTF, overseas scholarship, post-matric scholarship, pre-matric scholarship used to come from Government of India. 9th and 10th it is coming. We are giving that. And I have spoken to the Honorable Chief Minister and brought to his notice that we have issued a GO ki Muslim minority students will be treated on par with SCs and STs. When SCs and STs are getting pre-matric scholarship, the Honorable CM Saab has assured me and told me that Akbar Saab, hum Musliman bachon ko bhi SC STs ki tarha उनको भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देंगे. सर वी आर स्पेंडिंग 700 करोड़ एंड ऑल्सो टिमरीज सर, लाखों मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं. सर देर आर अचीवमेंट्स, काइंडली गिव मी द टाइम सर. रियासत में अखिलती तलबा के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स, जूनियर कॉलेज का खयाम, 1 लाख से जायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं. और जारिया साल मतलब ये साल 750 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं टिमरीज के लिए. थैंक यू सर. शादी मुबारक स्कीम के जरिए 10 साल के दौरान, सर दीज आर द फिगर्स विच द पीपल नीड्स टू नो, 10 साल में सर शादी मुबारक में सिर्फ मुसलमान 2,40,000 गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई. 2,40,000 सर. यह भी एक हकीकत है कि शादी मुबारक स्कीम जब शुरू की गई थी तो उस वक्त 60,000 रुपये था या 51,000 था,
51,000 कुछ था उस वक्त। हम सब ने मिलकर, मजलिस भी उसका हिस्सा थी, हमने सीएम साहब से कहा कि साहब ये 51,000 कम है, तो आज 1,00,116 रुपये दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में सर चीफ मिनिस्टर ओवरसी स्कॉलरशिप, मैंने सीएम साहब से कहा, मजलिस ने कहा कि ओवरसीज के लिए मुसलमानों को देना चाहिए। सर आई फील प्राउड टू अनाउंस दिस और टू से दिस, इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड, अप टिल नाउ 2,900 मुस्लिम स्टूडेंट्स हैव गॉन अब्रॉड एंड दे हैव आइदर कंप्लीटेड और परस्यूइंग देयर मास्टर्स। क्या कोई, आई वॉन्ट टू नो द वंस हु क्रिटिसाइज MIM, हु क्रिटिसाइज TRS, क्या किसी और स्टेट में मुसलमानों को बाहर भेज के पढ़ाया जा रहा है? क्या प्लेन का टिकट दिया जा रहा है? क्या हॉस्टल की फीस दी जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी की फीस दी जा रही है? अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो थोड़े से पैसे 200-400 रुपये जो पोस्ट मैट्रिक देते थे वो भी बर्खास्त कर दी, लेकिन ये तेलंगाना है जो 20,00,000 देकर भेज रहा है बच्चों को जाओ पढ़ो। ये हमारा अचीवमेंट है सर। और एवरी ईयर 300 crores आर बीन एलोकेटेड फॉर ओवरसी स्कॉलरशिप सर। और उसके साथ ही साथ सर ओवरसी स्कॉलरशिप के अलावा अंग्रेजी कोर्सेज के फीस एक रुखी सफर वो देते हैं सर। अब तक ये भी मैं कहूंगा सर कि आगे बढ़कर दीज आर द 6 अचीवमेंट विच आई हैव सेट। द 6 ओवरसी स्कॉलरशिप के तहत फी तलबा को 20,00,000, अखलती तलबा को SC/ST के ममासल प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। विच स्टेट इन द कंट्री इज ट्रीटिंग द मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑन पार विद SC/ST? नन सर, इट्स ओनली तेलंगाना स्टेट सर। हर साल अखलती तलबा की आला तालीम इब्तदाई तालीम के लिए 400 करोड़ रुपए से जायद की स्कॉलरशिप और फीस रीएम्बर्समेंट की फरामी। रियासत को दूसरी सरकारी जबान का मौकफ। 10वां रियासत में पहली मरतबा मजलिस की नुमाइंदगी पर 66 उर्दू ट्रांसलेटर्स वे डिप्यूटेड इन ऑल द ऑफिसेज, ऑल द कलेक्ट्रेट्स एंड ऑल्सो ऑल द मिनिस्टर्स चेंबर्स सर। उसके बाद आइमा और मौजनों को हर महीना पैसे दिए जा रहे हैं और उसके ऊपर 80 करोड़ रुपये से जायद बजट जा रहा है। उर्दू के जबान में दरखास्तें हर महकुमे में लेने का यहां पे वादा किया गया और वहां पे अहकाम भी दिए गए। ठीक है बाज जगह नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो जाएगा, लेकिन ये चीजें हुई तो हैं। आइमा और मौजनों को 5,000 रुपये महाना दिया जा रहा है और 700 नौजवानों को आउटसोर्स किया जो करे थे उनको हम बोलने के बाद में आपके पास से ऑनवर्ड ऑटो स्कीम के तहत 700 बच्चों को ऑटोस दिए गए हमारी रियासत में। ऑन योर ओन कैप स्कीम के जरिए 350 अफराद को टैक्सी फराहम की गई। अब मशीन्स दिए जा रहे हैं हजारों की तादाद में, स्विंग मशीन्स दिए जा रहे हैं, बिलखुसूस ये लेडीज को दिए जा रहे हैं। पहली मरतबा 100 से जायद अखलती तलबा को सर, ये भी काम कहीं नहीं हो रहा है, नोवेयर इट इज हैपनिंग सर। सर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ MIM द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैड अग्रीड के एवरी ईयर 100 स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन्ड by the minority department or they will be sponsored for cracking the civil services exam for IAS, IPS and IFS, IRS. Up till now 700 students have been trained and inshallah mujhe ummeed hai ke wo din dur nahi hai, inshallah aainda 5 saal mein ye jo bachchon ko hum train kar rahe hain isme se kam se kam 5 ya zyada se zyada 10 se 12 musalman bachche civil services ke exam ko bhi crack karenge, हमारा यकीन है इस पर सर। उसके बाद शंकरपल्ली में 10 एकड़ इस्लामिक सेंटर की जमीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मुतालबे पर परसों ही ऑक्शन हुआ, वहीं पे खरीद 100 करोड़, 10 एकड़ 1,000 करोड़ की हो गई ये जमीन, 1,000 करोड़ की। ये मैं बताना चाहता हूं
और इस्लामिक सेंटर के खयाम के लिए 40 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर के बजाय हज हाउस के बाजू एक इमारत खड़ी है जो कांग्रेस के दौर से इमारत खड़ी है, कांग्रेस के दौर से साहब, कांग्रेस आंध्र प्रदेश से खड़ी है, पानी में भीग रही है, डूब रही है, गिरने को आई। मैंने सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब हज हाउस का एक और एक एक ब्लॉक बनाते हैं, हज हाउस फेस टू 23 करोड़ रुपीस का बजट तैयार हुआ है। सीएम साहब ने कहा कि वो बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे, वो इनकंप्लीट बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद महकमे इमारत की जानिब से 40 करोड़ रुपए की मालियत से 4000 से जायद कीमती 4000 गज 4000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड ऑन MIMs रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वेस्ट ऑनरेबल सीएम साहब हैज अलॉटेड टू अनीसुल गुरबा सर। 4000 पहले जमीन दिए, उसके बाद अब आज एक 15-20 करोड़ की लागत से 80% इमारत तकमील हो गई है। अनीसुल गुरबा यतीम बच्चों के लिए खयाम ताम खाना बीमारी इलाज और एजुकेशन भी वहां पे दिया जाएगा। यह काम मैं बताना चाहता हूं आपको, आलीशान इमारत, और उम्मीद करता हूं कि मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब काम हो रहे हैं, आप वक्त दीजिए। जैसा कि जामे निजामिया का ऑडिटोरियम मुकम्मल हो गया, वो भी आप ही ने बनवाया था। अनीसुल गुरबा मुकम्मल हो चुका है, आप उसके लिए भी टाइम दीजिए। जामे निजामिया के डिग्रीज हैं कि 10th पास को, 12th पास को, ग्रेजुएशन पास को, एक इसको 10th सेकेंडरी स्कूल का रिकग्निशन नहीं था, इंटरमीडिएट एजुकेशन का रिकग्निशन नहीं था, यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन नहीं था, एंड इट वॉज नॉट ट्रीटेड एज अ डिग्री। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन पे जामे निजामिया की 10th को, 12th को, डिग्री को रिकग्नाइज किया केसीआर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने। ये मैं बताना चाहता हूं, मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद कितनी कैसी हो गई थी, मक्का मस्जिद पूरी खराब थी, मक्का मस्जिद में पानी टपक रहा था। हमने असेंबली में मुतालबा किया, 8 करोड़ रुपये से खुतुबशाही दौर की बनाई गई मस्जिद, जो किसी कांग्रेस या TDP के दौर में कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, TRS हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालिबे पर मंजूरी हुई और काम हो रहा। अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, बागयाम की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, और फिर हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के लिए रैंप का हमने कहा था, वो रैंप 90% कंप्लीट हुआ। हमारे शिया भाई मौला अली को जाते हैं, सीएम साहब जानते हैं, मौला अली को हमने रैम के लिए कहा था, सीएम साहब ने KTR साहब से करा, GHMC ने वो रैम को लिया है, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, सेकेंड फेज ऑनगोइंग है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दरगाह बराने शाह ओल्ड सिटी में, मेरे एरिया में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने वहां पे कहा कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग की तामीर जारी है, और वो भी इंशाल्लाह एक साल डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन ऑल सिटीज। सर उसके बाद में दरगाह की आरजी पर एक जूनियर कॉलेज भी आ रहा है वहां पे, और उसके साथ ही साथ आगे बढ़कर दरगाह बड़े पहाड़ निजामाबाद का गल्ले का हमने बताया था कि 2-2.5 करोड़ रुपये आते हैं, उसको भी बोला गया ऑक्शन के जरिए, आज वक्फ बोर्ड को 2.5 करोड़ रुपये आ रहे हैं जनाब। और उसके बाद में जनाब KT रामाराव से हमने मुतालबा किया था, ये हो गए सो काम बयान कर रहा हूं मैं, कि हैदराबाद में मुसलमानों को मरने के बाद दफनाने के लिए कब्रस्तान की जगह नहीं है, तो फकीर मुल्ला की 50 एकड़ का जियो निकाला, 35 मिल गए, 17 मिल जाएगी। हमने नवीन मित्तल साहब से बात की, उन्होंने कहा कि 8 दिन में बाकी की जमीन भी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में हमने यह भी मुतालबा किया कि फकीर मुल्ला की बाउंड्री के लिए तो 1 करोड़ रुपए उसके भी मंजूर करे चीफ मिनिस्टर साहब ने। हर साल दावत इफ्तार क्रिसमस के मौके पर गुरबाओं में खाना और 40 करोड़ रुपये उसके लिए भी दिए गए हैं। बताओ ये कहीं पर है क्या, ईद उल फितर और क्रिसमस के मौके पर 4 लाख से जायद खानदान को तोहफा दिया जाता है, 4 लाख से जायद। रियासती वक्फ बोर्ड की तंजीम जदीद वक्फ बोर्ड में हम बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानियां बहुत हैं,
बदउनवानियां बहुत हैं। मैं फिर से कहूंगा स्पीकर साहब आपके जरिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि वक्फ बोर्ड को बचाइए सर, वक्फ बोर्ड को बचाइए। अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को हम बचा लेंगे तो कोई मदद की कोई पैसे की जरूरत नहीं है मुसलमानों का की तरक्की खुशहाली फलाह व बहबूद तालीम सेहत के मैदान में वक्फ बोर्ड से ही हम कर सकते हैं। सिर्फ हमको उस जमीन को बचाना है। हमारे मुतालिबे पर सीएम साहब ने सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। मैं आपके जरिए सीएम साहब से करूंगा कहूंगा कि प्लीज आप वो सीबीसीआईडी इंक्वायरी को स्पीड अप करवाइए साहब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो भी छीना है जो भी उस जमीन को लूटा है उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की अमानत को लूटा है। इनसे बड़े लुटेरे और कोई नहीं है दुनिया में जो वक्फ की और अल्लाह की जमीन को लूटते हैं। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरा हाल है वक्फ बोर्ड का। मैं बार बार कह रहा हूं एक ड्राइवर की तनख्वाह 90,000 है साहब, आप बताइए एक टेंथ प्लस जो है सो वहां पे सेक्रेटरी है साहब वहां पर उसकी तनख्वाह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेलीगेशन आया, वो पूछ रहा है वहां पे जो इंप्लॉय है ये डिटेल्स दियो, तो वो इनको बुला रहा है उनको बुला रहा है कुछ नहीं मालूम। अरे सर कुछ एग्जाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सर उसके बाद में सर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का हमने मुतालिबा किया था वो भी हो रहे हैं, और फिर वक्फ जायदाद को डेवलपमेंट करने के लिए मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा। मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी के और वो हाउसिंग के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे लेजिस्लेचर अफेयर्स के भी मिनिस्टर साहब हैं रेड्डी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और कहा था ऑनरेबल स्पीकर साहब ये एक अहम मसला है सर। एक 80 एकर्स बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। हमने हाउस कमेटी में पूछा कि यह गायब कहां हुई, आंध्र प्रदेश जब था तो उसके बाद में मेरे लड़ने झगड़ने के बाद में ये बोले कि वी विल गिव द 80 एकर जमीन टू दरगाह। तो उसमें से 50 एकर बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास दिए और 30 एकर कोहेड़ा में दिए, और ये हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह को लगी हुई है 50 एकर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमीन को एक्सचेंज कर दीजिए और वो कोहेड़ा में जो वक्फ बोर्ड को जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है वो जमीन जो आउटर रिंग रोड को लग रही है वो हाउसिंग बोर्ड को ले लीजिए। और मैं केटीआर साहब से कहूंगा कि वो ये जो 50 एकर्स की लैंड है यहां पे एक आईटी टावर लाइए 50 एकर्स में, 25 एकर्स में मुसलमान बच्चों को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। मलकपेट में तो आपने आईटी सेंटर लाया है, यहां पर भी एक आ सकता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है। और फिर मैं बारिश पुराने शहर के बारिश के निकासी के लिए गैसो सेशन में केटीआर साहब ने कहा कि 1,400 करोड़ हैव बीन स्पेंड ऑन ओल्ड सिटी रोड डेवलपमेंट, फ्लाईओवर, नाला डेवलपमेंट सर, पुराने स्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ से जायद की मंजूरी भी आपने दी जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। नलगुंडा चौरस्ता तो ओवेसी हॉस्पिटल, आरामगढ़ जंक्शन, भारत बहादुरपुरा और बाबा नगर के पूरे फ्लाईओवर्स को सेकेंड फेज SRDP में लेने का वादा किया इसके लिए भी शुक्रिया। उस्मानिया दवाखाना बनाने का भी आपने वादा किया इसके लिए भी शुक्रिया। पुराने शहर में बहादुरपुरे में और हमारे दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी हॉस्पिटल 100 बेड का लाने का हरीश राव साहब ने वादा किया उसके लिए भी शुक्रिया। और 2 दिन पहले केटीआर साहब ने 100 करोड़ रुपए जारी किए चारमीनार पेडेस्ट्राइजेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीट के लिए उसके लिए भी आपका शुक्रिया। चौक के मुर्गी मार्केट जो थी उसको बना रहे हैं, सरदार महल को बना रहे हैं। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले वादा किया कि 5 नहीं 10 नहीं 20 करोड़ भी अगर लगेंगे तो हम चार मीनार के निजामिया यूनानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को हम रेनोवेट करेंगे, उसको बचाएंगे, उसको अच्छा करेंगे। और शायद कल वहां पे दौरा है मेरे साथ इसके लिए भी आपका शुक्रिया। सालारजंग म्यूजियम के पास 2 ब्रिजेस का भी वादा किया हॉकर्स को लाने के लिए उसके भी शुक्रिया। उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंसिंग इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज का महकमे में तालीम के जानिब से हजारों तुलबा को टीचर्स को राहत मिली इसके लिए भी शुक्रिया। फलकनुमा एजुकेशन कैंपस में
23 करोड़ रुपीस सैंक्शन करे सीएम साहब, वहां पे पूरा जूनियर कॉलेजेस, रेजिडेंशियल कॉलेजेस, वोकेशनल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, तेलुगु मीडियम हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब आ रहा है वहां पे। इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गोलकुंडा कैंपस, चंचलगुड़ा कैंपस में डिग्री कॉलेज के लिए वो भी शुक्रिया। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 400 करोड़ हैव बीन सैंक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर सेक्टर में, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि जियो 58 और 59 भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर निकाला था, इसके लिए सर मैं आपका शुक्रिया कि कई गरीबों का फायदा हुआ जियो 58 और 59 से। और फिर ये भी मैं बोलूंगा कि पानी भी फ्री दिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर उसके साथ साथ मजलिस ने सबसे पहले मुतालिबा किया था, मैंने खड़े होकर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सिटी लेजिस्लेचर्स का, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और हमारी नुमाइंदगी पर नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करने के लिए जियो नंबर 84 भी निकाला गया, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सादा बैनामा के तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट्स में, अजला में अगर फायदा हुआ गरीबों को, तो शहर में 84 के जरिए भी फायदा हो रहा है। और फिर और मैं ये भी इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि लास्ट सेशन में हमने पहाड़ी शरीफ की फ्रूट, पहाड़ी शरीफ में वक्फ की जायदाद पर फ्रूट मार्केट, वहां पे टेम्पररी फ्रूट मार्केट के खयाम के लिए कहा, असेंबली में आपने कहा ठीक है वक्फ बोर्ड का। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के साथ में मीटिंग की, उन्होंने मुझे ड्रॉइंग बताई कि 300 करोड़ से जायद सरफा होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में स्टेट ऑफ आर्ट एक हमारी फ्रूट मार्केट आ रही है। तो इसके लिए भी मैं सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा साहब कि आपके हमारे तयकुन के बाद जब तक वो मार्केट बनती है 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहाड़ी शरीफ में उनको कारोबार करने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं वादा करता हूं, मैं लिख के देता हूं, जैसा आपकी मार्केट बन जाएगी ये सारे लोग वहां चले जाएंगे, सारे लोग चले जाएंगे। पुराने शहर के मुसलमान हैं, पट्टी पासबुक के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि नई मार्केट जो बन रही है 300 करोड़, उसकी भी मंजूरी दे दीजिए और उसके साथ साथ ये छोटे गरीबों को भी काम करने के लिए दे दीजिए इंफॉर्मेशन। और मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले भी आपसे मुतालिबा किया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नरेट में आपने एक नुमाइंदे को डाला था, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में भी आपने डाला था, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपने डाला था, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं फिर से आपको कहूंगा, आपको यह जरूर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अभी भी जहां जहां पर भी हायर एजुकेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, या गवर्नमेंट लीडर्स हैं, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, जितने भी जो जो भी है वहां पे मुसलमानों को अगर आप डालेंगे तो एक मुसलमानों में एक अच्छा पैगाम जाएगा और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ही नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर साहब ने शिवरात्रि को भी छुट्टी का ऐलान किया था जिस तरीके से ईद के लिए, यह भी एक अचीवमेंट है। और मैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का दोबारा तामीर के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने तारीख दी है तो वो तारीख में इंशाल्लाह इनॉग्रेशन हो जाएगा, हमको यकीन है। और फिर हमने, हमारे एमपी साहब ने, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 100 एकड़ जमीन दिया जाए ताकि खबरस्तान के लिए, सुन्नियों के लिए, शियाओं के लिए, मैदवियों के लिए, उसके लिए भी। और फिर यह भी याद दिलाऊंगा कि आज से 2 साल पहले जब हैदराबाद में सैलाब आया था तो उस वक्त मुतासरीन को 10-10 हजार भी आपने दिया था, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब। बस मैं इसके साथ साथ ये कहूंगा कि बाज चंद मसाइल हैं जिस जो हल तलब है, ये नहीं कह रहा हूं कि मुकम्मिल नहीं हुए। तेलंगाना में अखिलेतों को SC ST के बराबर का जियो निकाला गया, लेकिन जितने सारे स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। प्लीज आप
उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, 16 स्कीम्स हैं, मुसलमानों को भी ले लीजिए उसमें। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम देखते हैं द एलोकेशन फॉर द ईयर 14 एंड 15 में, पहला साल था उस वक्त 1000 था, तो जो रिलीजेस हुए, जो स्पेंड हुआ वो 306 था, बाद में 500 हुआ, फिर उसके बाद में 17-18 में 72% हुआ, फिर उसके बाद में 17-18 में 76% हुआ, फिर कोविड का एक टाइम आया था तो उस वक्त 62% हुआ, हम जानते हैं कम हुआ एलोकेशन। फिर उसके बाद में 19 एंड 20 में तो 94% हुआ, और उसके बाद में फिर 21-22 में 72% हुआ, और फिर 21-22 में 80% हुआ, और फिर द एलोकेशन वॉज रुपीज 1724 एंड एडिशनल बजट ऑफ रुपीज 648 करोर, टोटल एलोकेशन वॉज रुपीज 2319 करोर इन 22-23, बट द एक्सपेंडिचर वॉज ओनली 1672 करोर सर, द एलोकेशन वॉज रुपीज 2196 करोर इन 2023 सर। अभी पैसे रिलीज हो रहे हैं, मगर मैं आपसे, आप इस बुरा ना माने साहब, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हकीकत बयान कर रहा हूं, आरटीएफ एमटीएफ में 2014 से 18 तक वेव ऑफ कर दिए हैं साहब। मैं बोलूंगा कि साहब वेव ऑफ करने से कॉलेजेस का नुकसान होगा, तो आप उस पर उसको रिकंसिडर करिए, उसको थोड़ा सा उसमें रिलीज कराने की कोशिश करिए। द रिक्वायर्ड फंड फॉर क्लियरिंग द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ एमटीएफ इज 88 करोर, whereas the budgetary allocation is 71 crores sir, the additional allocation of 17 crores is required sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues for RTF is 432 crores, whereas the budgetary allocation is rupees 118 crores. The additional allocation of rupees 196 crores is to be sanctioned sir. So the requirement of fund for clearing the outstanding dues of overseas scholarship is 178 crores sir. The budget allocation is 118 crore. The additional allocation of 60 crore is required, sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues of pre-matric scholarship is 5 crore, sir, where the budgetary allocation is 1.73, sir. The additional allocation of 3.27 is required and sanctioned, sir. Sir, for Shadi Mubarak scheme, sir, 750 crores, whereas the budgetary allocation is 450 crores, sir. The additional allocation of 300 is required. I know, sir, Shadi Mubarak ko green channel mein aapne dala hai. Har mahina jaate hain, lekin bahut se darkhaste pending hain, usko dijiye. Aur phir, sir, main aapse kehna chahta hoon ke 2015 mein, हम माइनॉरिटी लोन्स के लिए 1.5 लाख दरखास्तें मंगाए थे, कुछ नहीं दिए, अब दरखास्तें मंगाए हैं तो 2.5 लाख दरखास्तें आई हैं। मैं सीएम साहब से एक दर्दमंदाना अपील करता हूं साहब आपसे कि 120 करोड़ पुराने थे और 120 करोड़ हरीश साहब ने दिए हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि और एक 120 करोड़ अगर आप देंगे तो कम से कम हम एक 50,000 मुसलमानों को लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ आज जो दे रहे हैं, एक एक हलके में 100 चिल्लर आ रहे हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कम से कम 50,000 दिए वैसा, क्योंकि वो 2.5 लाख के दरखास्तों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25,000, 40,000 या 50,000 का अप्लाई किया है। तो वी कैन, जो 50,000 का मुतालबा कर रहा है हम 50,000 देंगे, जो 1 लाख दे रहा है वो 1 लाख देंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बीसीस के तरह मुसलमानों को भी 1 लाख लोन देने का हमारे मुतालबे को कबूल किया था, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने केटीआर साहब से टीएस प्राइम के ताल्लुक से कहा था, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ तो भी देकर थोड़ा सा स्टार्ट करें। और मैं आपसे कहूंगा कि एक 20 या 25 करोड़ रुपए अगर देते हैं तो छोटे छोटे जो डब्बे बंडियां वाले हैं उनको 3-3 हजार, 4-4 हजार हम दे दें तो वो बहुत बड़ी बात होती है, उससे कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्हेन आई हैव थैंक्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब फॉर इमाम एंड मौजन्स का, जो आप पैसे दे रहे हैं 5,000-10,000 इमाम मौजनों को दे रहे हैं, 7,000 दरखास्तें पेंडिंग है, 6,000 चेंज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने पेंडिंग एप्लीकेशंस है ये इमाम और मौजनों के, अगर उसको भी अगर आप मंजूरी दे देते हैं तो 17,000
इमाम मौजनों को हर माह 5,000 रुपये जाएगा, जिसके जरिए एक मैसेज जाएगा रियासत में और मुल्क में कि इमाम और मौजनों का भी उसी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है जिस तरीके से अचल इकास का ख्याल कर रहे हैं। अचल इकास का भी आपने बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और सर, गोइंग फर्दर अहेड सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट सर, देयर इज अ ग्रीन चैनल में भी अगर आप ले लेते हैं शादी मुबारक और थोड़े से स्कीम्स को तो अच्छा होगा। प्री मैट्रिक के ताल्लुक से भी मैंने कहा कि ऑन पार विद SC ST अगर ले लें, PMJY की द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्रोवाइड्स फंड्स टू द स्टेट अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम फॉर्मली नोन एज मल्टी सेक्टर डेवलपमेंटल प्रोग्राम। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फंड्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेयर सर। सर उसके साथ ही साथ सर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपने वादा किया था कि अजमेर में रुबात बनाएंगे, तो आप इजाजत दीजिए, मैं महमूद अली साहब और दूसरे लोग हम लोग जाते हैं अजमेर में रुबात का संग बुनियाद रखकर आ जाते हैं, तो इससे ये पैगाम जाएगा कि हमने अपना वादा जो अजमेर की रुबात का किया था वो भी पूरा किया है सर। सर उसके साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि 2 बेडरूम के लिए आपने वादा किया था कि जहां भी 2 बेडरूम बनते हैं अर्बन एरियाज में 12% मुसलमानों को देना और उसके बाद में रूरल एरियाज में भी देने के लिए आपने कहा था, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 2 बेडरूम की जो तकसीम का आगाज होगा उसमें मुसलमानों को उनका बराबर अगर आप शेयर देंगे तो मैं ममनून और मशकूर रहूंगा। और 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि साहब मुझे उम्मीद है कि 4% तहफ़ुज़ात का मुकदमा जो चल रहा है उसमें मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी जाती दिलचस्पी की जरूरत है कि उस 4% तहफ़ुज़ात के मुकदमे में हमको डट के सख्त लड़ना है ताकि वो 4% तहफ़ुज़ात हमारे हाथ से ना जाए। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान आपने दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं स्पीकर साहब के जरिए हुकूमत का। और फिर मैं ये भी जरूर कहूंगा आपसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब एंड अनाउंस 11 करोड़ फॉर कुमरवेली टेंपल इन सिद्दीपेट, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज प्रीवियसली ग्रांटेड 30 करोड़ फॉर टेंपल डेवलपमेंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 बैग कोल्ट्री फॉर अदर फैसिलिटीज वॉज अंडर वे एट द टेंपल, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज स्पेंड 1,800 करोड़ ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यदाद्री टेंपल बिसाइड ग्रांटिंग 50 करोड़ टू श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेंपल धर्मपुरी, ₹70 करोड़ टू राजा राजेश्वर स्वामी टेंपल वेमुलवाड़ा, ₹30 करोड़ टू श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी टेंपल एंड मेनी अदर्स, ₹100 करोड़ स्पेशल ग्रांट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कुत्तागुड़ा अंजनिया स्वामी टेंपल अंडर द चीफ मिनिस्टर स्पेशल डेवलपमेंट फंड एंड ऑल्सो द रेनोवेटेड यदाद्री टेंपल इज स्प्रेड ओवर 11 acres कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 डोम, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सीएम साहब, लाल दरवाजे की मंदिर के वास्ते आप मंजूरी दिए, वो बोनाल फेस्टिवल की इतनी बड़ी मंदिर है सर, आज तक भी उसका नहीं हुआ सर। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, अकबर साहब आप उठाए, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर इमीडिएटली, जब इतना सौंप दिए हमारे पुराने शहर की इस मंदिर के लिए भी आप इसको बड़ी करने के हमारे मुतालबे को कबूल कर लीजिए। ये हम कई दिन से बोल रहे हैं, ये नहीं हुआ है। एंड सर देर आर फ्यू रिप्रेजेंटेशंस व्हिच आई हैव रिसीव्ड, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू काइंड नोटिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट द ओल्ड पेंशन स्कीम सर, द मेनी इंप्लॉयज आर रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग अबाउट द ओल्ड पेंशन स्कीम सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमदर्दाना गौर करते हुए क्या अगर कुछ कर सकते हैं ये ओल्ड पेंशन स्कीम में तो जरूर करिए। इससे ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे बोलते ही हैं आने वाले कि अकबर साहब स्टेट गवर्नमेंट पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, इससे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ओल्ड पेंशन करेंगे तो फायदा होगा। तो मैं कहूंगा कि आप जैसा हमदर्द शख्स या चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है, आप जैसा ख्याल करने वाला हर एक का कोई नहीं है, आप हमदर्दी के साथ इस पर भी गौर करें। और इसके साथ ही साथ सर द पोस्ट ऑफ ACTO एंड DSTO वर्किंग कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट इज अ नॉन गेजेटेड, द फर्स्ट PRC कमेटी रिपोर्ट ऑफ तेलंगाना इज रिकमेंडेड फॉर गेजेट
गजेट स्टेटस, गजेट ऑफिसर का स्टेटस के लिए मैं लास्ट असेंबली में भी बोला था, सर इनको गजेटेड ऑफिस का अगर आप स्टेटस दे देते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन कुछ भी नहीं है, तो इस पे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर। और सर होम गार्ड्स का री इनिशिएट, 250 होम गार्ड्स हुए टर्मिनेटेड इन द ईयर 2012, द देन एपी गवर्नमेंट विदाउट इश्यूइंग एनी ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट कुछ उनको निकाल दिए थे। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एपी गवर्नमेंट जो 250 होमगार्ड को निकाली है उनको रीइंस्टेट करिए। और एडेड कॉलेज स्टाफ का एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था नॉन टीचिंग का, उसके लिए भी सर। और नर्सिंग डायरेक्टरेट एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मैंने अपील की थी, आपसे अपील करता हूं नर्सिंग डायरेक्टरेट के लिए। रेगुलराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए भी रिप्रेजेंटेशन आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे सर। और ये TSWREIS स्टाफ, दे आर अराउंड 567 टीचर्स वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिंस लास्ट 16 इयर्स इन तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी विदाउट एनी कंप्लेंट सर, रिक्वेस्ट फॉर देयर रेगुलराइजेशन सर। और उसके साथ साथ GO 314 सर, 314 लोकर कैडर ट्रांसफर के बारे में है सर, स्पाउस ट्रांसफर का। The state government has implemented inter-district transfer, teachers are demanding for the implement of promotion followed by transfers. The teachers have also asked the state government to facilitate spouse transfer. However, the spouse transfer was implemented in the case of 16 districts, sir, of the state government, remaining indecisive in 13 districts, sir, leaving about 1,430 teachers who applied for spouse transfers to live apart from the past 1 year, and nearly 60-75% of teachers are waiting for the spouse transfer, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर गौर करेंगे सर। और reinstate of artisans sir, request of reinstate of 117 artisans who were terminated under take certificate under humanitarian grounds as per the honorable high court order. They are working in TS Genco and TS Transco sir. They belong to very poor families sir. ये एक इनका है। और बार बार मैं कह रहा हूं सर, एक 126 इंप्लॉइज है जो हमारे रियासत के आंध्र प्रदेश में है साहब, कोई यहां से जा रहा नहीं बोल के, वो आ रहे नहीं साहब, बहुत परेशान है 126 तेलंगाना के इंप्लॉइज जो तेलंगाना के उसूल के लिए जिद्दोजहद में खाने से खाना मिलाकर थे, उन 126 को भी अगर आप बुला लेते हैं तो बहुत अच्छा पैगाम जाएगा सर। और आखिर में सर, लास्टली सर, माई रिक्वेस्ट हम्बल सबमिशन इज दैट अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ ग्रुप टू एग्जाम सर। सो द रीजन वाई आई एम सेइंग फॉर द पोस्टपोनमेंट इज दैट सर, सो द तेलंगाना गुरुकुला टीचर्स एग्जाम, तेलंगाना गुरुकुला टीचर्स एग्जाम है 1/8 से लेके 23/8 तक सर। फिर उसके बाद में एग्जाम है स्टाफ नर्सेस का एग्जाम है 2/8 से सर। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अर्बन डेवलपमेंट का एग्जाम है 8/8 से सर। फिर पॉलिटेक्निक एंड जूनियर लेक्चरर्स का एग्जाम है 2/9 से सर, 2/9/23 से 2/9/23 तक सर। और फिर टीएसपीएससी ग्रुप 2 का एग्जाम है 29 को सर। तो अब आप देखते हैं सर के पूरे 8-8, 10-10, 15 दिन में 3-3, 4-4 एग्जाम्स हैं। तो मैं आपसे फिर उसके बाद में एसएससी सीएचएल टायर 1 का एग्जाम है 2/8 से लेकर 22 तक सर। IBPS RRB PET एग्जाम है 17/8 से सर। तो और फिर और एक एक लास्ट एग्जाम है IBPS RRB प्रिलिमिनरी एग्जाम अगस्त 12 सर। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है सर, ये मटेरियल एंड अदर रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन वेर हैव बीन कम वेरी लेट इन द मार्केट ऑल्सो, जिसकी वजह से ये लोग प्रिपेयर नहीं कर सक रहे हैं। तो मेरी आपसे एक दरखास्त है कि हम जब इतने बच्चों को मौका दे रहे हैं तो हम मौका ऐसा दें जिससे वो खुश हों। इससे एक नाराजगी के वैसी आ रही है, तो जो भी फैसला होता है या ग्रुप 1 को आप पोस्टपोन करिए या दूसरे एग्जाम्स को आप पोस्टपोन करिए, जो भी कर सकते हैं, जो भी मुमकिन, ताकि हमारे बच्चे अच्छा लिखें एग्जाम और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन एग्जाम में कामयाब होकर आगे बढ़े। मैं आपने जो मौका दिया है मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में यह भी जरूर कहूंगा कि इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो हमारी मौजमजाई मार्केट को आया है, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, KTR साहब को मुबारकबाद देता हूं। और अंबेडकर का इतना बड़ा मुजस्सिमा आया है, हम बता रहे हैं कि दस्तूर बनाने वाले
का हम आज किस तरीके से खिराज देते हैं, कितनी हमारी मोहब्बत है उनसे हम ये बता रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और आलीशान सेक्रेटेरिएट जो आपने बनाया है इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आलीशान सेक्रेटेरिएट आज लोग आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, ये बता रहा है कि रियासत क्या खुशहाल है, रियासत कितना आगे जा रहा है, रियासत कितना खूबसूरत है। और मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी कहूंगा कि हमने आपसे मुतालबा किया था, शुक्रिया अदा करूंगा कि CAA NRC पे आपने एक मुकम्मल और मैं कहूंगा कि वाहिद रियासत जिसने रेजोल्यूशन को पास किया था, इसके लिए जब सारा हिंदुस्तान आग की लपेट में था, जल रहा था, मुसलमान रोड पे एहतजाज कर रहा था CAA NRC के लिए, तो रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत थी जिसने रेजोल्यूशन पास करके ना रोडों पे आने दिया मुसलमानों को, ना शहर को जलने दिया, ना लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने दिया। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने UCC पर भी स्टैंड लिया कि हम UCC का भी मुखालिफत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब रिप्लाई देंगे UCC के ताल्लुक से भी बोलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप और हम मिलकर तेलंगाना को तरक्की के ऊपर और आगे ले जाएंगे और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे और उन ताकतों को शिकस्त देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो 70 बरस से नाइंसाफी करे उनको भी जवाब देंगे, जो 10 बरस से नाइंसाफी और नफरत की फिजा बरपा कर रहे हैं उनको भी हम बताएंगे कि रियासत तेलंगाना उनको भी मुस्तरद करता है, इनको भी मुस्तरद करता है, और रियासत तेलंगाना बंगारो तेलंगाना की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। मैं हमारे सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी आखिरी मुलाकात है, इंशाल्लाह फिर हम जरूर मिलेंगे, कामयाब होकर मिलेंगे, फिर से हम आवाम के मसाइल को लिए लड़ेंगे और फिर से हम KCR साहब को चीफ मिनिस्टर होता हुआ हलफ लेता हुआ देखेंगे। शुक्रिया साहब।